नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे इन्फिनिक्स नोट 12। और दोस्तों ये फोन हमने परचेज किया फ्लिपकार्ट से, तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस फोन को, देखते हैं कैसे इस फोन का कैमरा है, कैसे इस फोन की परफॉर्मेंस है, क्या इस फोन में खास है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, ये है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 12 और ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। एंड बैक साइड अगर हम देखें तो दोस्तों ये है 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट। एंड दोस्तों इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek का हीलियो G88 प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर है दोस्तों और काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है ये, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है इस प्रोसेसर की। एंड यहाँ पे आपको 4GB रैम के साथ साथ 3GB रैम एक्सटेंडेबल भी मिल जाती है, तो आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 5000mAh बैटरी आपको मिल जाती है इस फोन में। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों बॉक्स में MRP दे रखा है 16,000, बट दोस्तों हमने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था 9000 में। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं इस फोन को बाहर। एंड यहाँ पे दोस्तों अंदर एक और बॉक्स निकला है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इन्फिनिक्स नोट 12। एंड यहाँ पे बैक साइड देखें तो इसमें आपको देखिए 50MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं DTS साउंड के साथ। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डिवाइस, तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक टाइप सी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें तो देखिए दोस्तों इसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो है 10V 3.3 एम्पीयर। एंड यहाँ पे आपको एक नकली नोट मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यूज़र मैनुअल एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मार्वल के काफ़ी सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक बैक कवर मिल जाता है फ़ोन में लगाने के लिए। तो चलिए रखते हैं सबको साइड में और आते हैं अपने इस फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ोन इन्फिनिक्स नोट 12, तो इसको निकाल लेते हैं हम। वाओ क्या बात है। तो दोस्तों यह है ब्लू कलर, बढ़िया आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड हाथों में इन हैंड फील की बात करूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम डिवाइस फील हो रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले आपको इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। एंड इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको दोस्तों हेडफोन जैक मिल जाता है। एंड इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, सिम ट्रे हम बाद में चेक करेंगे। एंड इस साइड अगर हम देखें बैक साइड, तो यहाँ पे आपको देखिए 50MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको क्वाड फ्लैश मिल जाती है। एंड यहाँ पे बैक साइड डिज़ाइन अगर देखें तो देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, यहाँ पे इन्फिनिक्स लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको मिरर फिनिश देखने को मिल जाती है, तो बैक साइड से तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दे रखा है। एंड सामने की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट कैमरा 16MP का देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको साइडों में 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन का जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है प्राइसिंग के हिसाब से, बिकॉज हमने ये फ़ोन 9000 में परचेज़ किया था, तो 9000 के हिसाब से इस फ़ोन का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम सिम ट्रे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। तो यहाँ पे दोस्तों आप दो नैनो सिम लगा सकते हो एंड एडिशनली आप यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो इस फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों फ़ोन को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन मैंने अभी ऑन कर लिया है, तो चलिए पहले मैं इस फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस फ़ोन के फीचर और कैमरा वगैरह चेक करेंगे। तो दोस्तों फ़ोन मैंने अभी सेटअप कर लिया है। एंड दोस्तों इस फ़ोन में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी मिलता है, तो ऐसे भी आप देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों मैंने फिंगर सेंसर और फेस अनलॉक भी इस फ़ोन में सेट कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे अगर हम फिंगर सेंसर को देखें तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे हल्का सा ही टच कर रहा हूँ तो देखिए फ़ोन अनलॉक हो जा रहा है, ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको फेस अनलॉक दिखाऊं तो देखिए फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए ये देखिए।
तो यहाँ पे दोस्तों फेस अनलॉक एंड फिंगर सेंसर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो ये दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है एंड कलर्स काफ़ी रिच देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम दोस्तों बेजल्स देखें तो यहाँ पे दोस्तों आप साइड बेजल देख सकते हो, देखिए साइडों में बेजल काफ़ी कम है एंड ऊपर की तरफ भी देखिए बेजल काफ़ी कम है। नीचे की तरफ चिन में आपको थोड़ा सा बेजल ज़्यादा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भी ज़्यादा बेजल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको इस फ़ोन में। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्क्रीन की इस साइड से स्लाइड डाउन करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्विक सेटिंग वाले सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड अगर आप दोस्तों इस साइड से स्लाइड डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम OS की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फालतू की ऐप्स जो है प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है। ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे जंक नहीं है, कोई भी फालतू की एक्स्ट्रा ऐप्स आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर मैं UI की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ UI है, काफ़ी स्मूथ ही चल रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है इस फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अबाउट फोन्स में और देखते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम जाएँ माई फ़ोन में तो देखिए ये है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 12 एंड यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है 11 आउट ऑफ द बॉक्स, ये देखिए। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो देखिए आपको प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek का हीलो G88 प्रोसेसर। एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है एंड रियर कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 4GB रैम मिल जाती है जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो एंड ये दोस्तों 64GB वाला वेरिएंट है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बैटरी मिल जाती है 5000mAh एंड यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन में फुल HD+ रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन का कैमरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि कैमरे में आपको क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में आपको शॉर्ट वीडियो वाला ऑप्शन मिल जाता है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। एंड वीडियो में अगर हम रेजोल्यूशन देखें तो यहाँ पे देखिए आप 2K वीडियो शूट कर सकते हो, फुल HD वीडियो में आप शूट कर सकते हो एंड यहाँ पे देखिए आप 720p में भी वीडियो शूट कर सके हो। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको 2K वीडियो का मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको AI वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने 50 मेगापिक्सल में फोटो क्लिक करनी है तो यहाँ से देखिए आप 50 मेगापिक्सल जो है सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सुपर नाइट मोड मिल जाता है एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको गूगल कैमरा भी मिल जाता है, तो आप गूगल लेंस भी यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन में। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम फ्रंट कैमरा देखें तो देखिए फ्रंट कैमरे में भी दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। एंड वीडियो में अगर हम देखें तो देखिए फ्रंट कैमरे से भी आप देखिए 2K वीडियो शूट कर सकते हो, फुल HD वीडियो शूट कर सकते हो एंड 720p में भी वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरे से भी। एंड यहाँ पे AI का ऑप्शन दे रखा है, तो फ्रंट कैमरे में भी आपको AI कैमरा मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे ब्यूटी मोड दे रखा है, तो फ्रंट कैमरे में भी आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट का ऑप्शन दे रखा है, तो फ्रंट कैमरे में भी आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए सुपर नाइट मोड दे रखा है, तो फ्रंट कैमरे में भी दोस्तों आपको सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वाइड एंगल सेल्फी भी मिल जाती है, टाइम लैप्स वीडियो भी मिल जाती है। तो फ्रंट कैमरे से देखिए आप दोस्तों टाइम लैप्स वीडियो शूट कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको एयर शॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो फ्रंट कैमरे से आप देखिए एयर शॉट्स भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम दोबारा से हम रियर कैमरे में अगर स्विच करें एंड ऊपर की तरफ अगर हम स्लाइड करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पैनोरमा का ऑप्शन मिल जाता है, प्रोफेशनल मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो रियर कैमरे से देखिए आप टाइम लैप्स वीडियो शूट कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए आप 240fps पे स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हो या फिर आप देखिए 120fps में भी स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हो इस फ़ोन में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस फ़ोन में फ्रंट कैमरे में भी फ्लैश मिल जाती है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए छोटी सी यहाँ पर फ्लैश दे रखी है फ्रंट कैमरे में। तो अगर बहुत डार्क है और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है तो देखिए आप इस फ्लैश का यूज़ कर सकते हो फ्रंट कैमरे में भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको फ्रंट कैमरे में फ्लैश मिल जाती है इस फ़ोन में। तो दोस्तों ऐसा कुछ कैमरा UI आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। एंड प्राइसिंग के हिसाब से बताऊं तो इस फ़ोन के कैमरे में आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, स्लो मोशन का भी ऑप्शन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है एंड कैमरा UI भी इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो दोस्तों इस फ़ोन के कैमरे से क्लिक करोगे काफ़ी सारे फोटो सैम्पल मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, जिनको देख के आपको पता चल जाएगा कि इस फ़ोन के कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है, फ्रंट कैमरे की एंड रियर कैमरे की। तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा चार्जिंग टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा फ़ोन है देखिए 46% चार्ज है और दोस्तों अभी हम इसे चार्जिंग से कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं कि 5 मिनट में ये फ़ोन कितना चार्ज होता है। और ये दोस्तों ऑफिशियल चार्ज है जिसका प्लगइन कर रखा है हमने। तो चलिए दोस्तों फ़ोन को हम चार्जिंग से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं टाइम कितना हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है दोस्तों 10:53, तो 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे, देखते हैं कि 5 मिनट में ये फ़ोन कितना चार्ज हो जाता है।
तो देखिए दोस्तों अभी 58 हो चुके हैं, 5 मिनट हमें हो चुके हैं एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए जो फ़ोन था वो 46% चार्ज था एंड अभी देखिए 51% हो गया है। तो 5 मिनट में ये फ़ोन 5% ही चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, बट बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है और हमें इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाएं और डिस्प्ले सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर मिल जाता है। तो अभी मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर ऑन कर रखा है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप मोर स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट सेटिंग कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो है क्लॉक आपको मिल जाती है। तो इनमें से दोस्तों आप कोई भी जो क्लॉक है वो कोई भी जो स्टाइल है वो यूज़ कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। जैसे दोस्तों अभी के लिए हम ये वाली क्लॉक जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसको अभी हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई हो चुकी है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ऐसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली जो क्लॉक है उसे चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। एंड दोस्तों इस फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेन स्पीकर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको दूसरा स्पीकर ऊपर की तरफ भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन के साउंड आउटपुट चेक करते हैं, देखते हैं कि इसकी साउंड आउटपुट कैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों इस फ़ोन की जो साउंड आउटपुट है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट मिल जाती है इस फ़ोन में। एंड यहाँ पे दोस्तों इस फ़ोन में मैंने 12 बेंचमार्क स्कोर भी चेक किया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए 216,000 के आसपास यहाँ पे आपको 12 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। तो इस स्कोर से ही दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो दोस्तों ये फ़ोन आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो अगर आपका बजट 9,000 से 10,000 के बीच में है। 9-10,000 की रेंज में आपने कोई स्मार्टफोन परचेज़ करना है तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सारे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड दोस्तों 9-10,000 की रेंज में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड दोस्तों आगे आप फोटो सैंपल देख सकते हो।